बहुत ही शानदार फिल्म, मजा आ गया, गजब का विजुअल एक्सपीरियंस दिया इस फिल्म ने, मतलब नेवर इमेजिन एक्सपीरियंस, बेहतरीन तरीके से, मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको, मैं क्या ही बोलूँ। पेंडोरा की पूरी दुनिया बताई है इस बार, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस पेंडोरा के ऊपर ही है। धरती अब पहले जितनी बुरी हालत में थी उतनी भी अब स्थिति नहीं है, रहने के लिए और ख़राब हो चुकी है। कहानी 2009 में जो अवतार हमने देखी थी उस वाली कहानी के वक्त के हिसाब से 10 साल और आगे की स्टोरी है। जेक के बच्चे हो चुके, जेक और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पूरी तरह अवतार में बदल गया था, वो उन दोनों के बच्चे हो चुके हैं, दो उनके बच्चे, एक एडॉप्ट की हुई लड़की भी है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, उनकी पूरी कहानी और वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है। वो जो कैरेक्टर था जो उसमें एंड में मार दिया था, वो जो कर्नल सैम हैरिंगटन ने जो कैरेक्टर किया था, वो जिसको तीर मार देते एंड में और वो मर जाता है ना, उस कैरेक्टर को भी इसमें दिखाया गया। किस तरह से दिखाया गया, क्या होता है, क्यों, कैसे, क्या, कब, क्या आता है, वो आप फिल्म के अंदर देखिए, स्पॉइलर नहीं दूंगा। कहानी सिंपल सी है, कुछ बहुत ऐसा गजब का नहीं क्रिएट हुआ, जैसे पहली वाली अवतार की कहानी भी सिंपल थी, ज़्यादा वो उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया था कहानी में, वैसे इसकी कहानी भी सिंपल सी है, लेकिन एक्सपीरियंस जो देने के मामले में वो फिल्म बहुत अच्छा देती है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहली अच्छी है दूसरी अच्छी है, ऐसा नहीं, दोनों के अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। मज़ा आएगा इस फिल्म के अंदर भी, केट विंसलेट भी आ चुकी हैं, कुछ कैरेक्टर पुराने रिपीट हुए हैं दोबारा से क्योंकि सेम कहानी को कंटिन्यू किया है, और कुछ नए कैरेक्टर्स भी आके जुड़े हैं, ठीक है। तो मज़ा आएगा आपको, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस फिल्म देने वाली है, मतलब मैं क्या बोलूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, मतलब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जाइए इस फिल्म को देखने के लिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए, और आपको एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा देने वाली। आमतौर पर सभी जानते हैं कि मैं फिल्मों को ज़्यादा वो देता नहीं हूँ कि अच्छी फिल्म लगी है, बहुत ऐसे ज़्यादा वादा स्टार देता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये फिल्म पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। पाँच में से मैं पूरे 5 स्टार दूंगा, आमतौर पर फिल्मों को देता नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्म है, बिल्कुल मिस मत करिए, 5 में से पूरे 5 स्टार।